ओ भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। काले असर पावाड़ा मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा किन्नर कैलाशा तेरा डेरा वो जी। नारे 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 हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से देखते हो तो दिल से थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो आज है मंडे, सो बहुत ही स्पेशल वाला मंडे, क्योंकि आज सावन का लास्ट मंडे है। एंड स्टार्टिंग मंडे में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं फर्स्ट मंडे का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसके बाद सेकंड और थर्ड नहीं की थी, क्योंकि वैसा कुछ जाना हो नहीं रहा था, वैसा ही पूजा हो रहा था, तो मैं सोची क्या ही शेयर करूं तो छोड़ दी। बट आज लास्ट है सावन का मंडे, तो मैं सोची आज तो ब्लॉग बनता है आप लोग के लिए। स्पेशल भी है क्योंकि फर्स्ट मंडे में मैं सिलीगुड़ी में थी और लास्ट मंडे में मैं बैंगलोर में हूँ, तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, तो बहुत ही स्पेशल हुआ ना। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो अभी पूजा करने जा रहे हैं तो लेके चलते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, आप लोग को भी ब्लेसिंग दिलाते हैं। तो इसीलिए मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम हो गया है, 11 बज गया है एंड अभी भी 10 मिनट्स और लगेगा, क्योंकि जो मेरी एक फ्रेंड है वो रेडी हो रही है। एक्चुअली मैं सुबह में ही जाने का बात था, बट उनका ऑफिस का कुछ काम था, इस कारण से लेट हो गया। बट कोई ना, अब वो फाइनली रेडी हो रही है, तो हम लोग 10-15 मिनट में निकलेंगे। तो मैं सोची चलो अभी से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड कौन सा मंदिर जा रहा है ये मुझे उतना पता नहीं है, क्योंकि मैं उतना अभी नहीं हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कुछ का, लेकिन मैं आपको आगे चलते चलते सब दिखाऊंगी बताऊंगी इसीलिए। तो और वैसे भी मैं ऑलरेडी 2-3 ब्लॉग शूट कर चुकी हूँ, मैं जब से आई हूँ तो 2-3 मॉल जा चुकी हूँ, तो उसका सबका ब्लॉग मैं शूट की हूँ। बट मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करके फटाफट आप लोग के लिए अपलोड करूँ, वो थोड़ा सा नए जगह में आने के बाद एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना इसीलिए। बट कोई ना, अब मैं बहुत अच्छे से एडजस्ट भी कर ली हूँ एंड अब मैं फटाफट ब्लॉग एडिट करके आप लोग के लिए जल्दी जल्दी पोस्ट भी करूंगी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा ये जो कम्युनिटी जल्दी से बड़ा हो जाए एंड ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग से जुड़ पाए। तो मैं आपको पूरा लुक भी दिखाऊंगी बाद में, तो अभी वो आ जाए तब तक मैं वेट करती हूँ एंड 1-2 रील्स बना लेती हूँ तब तक। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। तो तब तक मैं रील्स बना लेती हूँ जब तक वो आ रही है तब तक, तो फिर चलेंगे। हम लोग मंदिर पहुंच गए और ये मंदिर का एंट्रेंस था, कितना सुंदर था ना। और यहाँ पर देखो कितने अच्छे लाइंस लिखा हुआ है। और ये जो मंदिर है ये गुफा टाइप का है, मतलब गुफा का अंदर हो के जाना है। तो आगे आगे आप देखो, बहुत सुंदर है, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं गुफा में। ये हम लोग गुफा में आए हुए हैं और मैं कौन सा मंदिर है मैं आपको आगे बताती हूँ, ये देखो। सो
सो यहाँ पर हम लोग लाइन में लगे हैं क्योंकि मंदिर में घुसने से पहले टिकट करवाना होता है, तो आगे वहाँ पर आप देख सकते हैं टिकट काटने के लिए बैठी हैं। एंड यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा है, तो हम लोग प्रसाद भी ले लिए, टिकट भी कटवा लिए और अब अंदर पहुँच गए। सो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं पहले पैर हाथ को धोने के लिए। एंड आप देख सकते हो बगल में जो दिख रहा है ये 108 बार ओम नमः शिवाय है, और यहाँ पर आपको रुद्राक्ष मिलता है जिसको आपको सब में एक एक डालना है, और ओम नमः शिवाय 108 बार बोलना है, तो वो भी मैं करूँगी, तो आप आगे देखना। एंड ये देखो मेरा प्रसादी, साथ में उन्होंने यहाँ के जो भगवान जी उनका फ़ोटो भी दिए हैं बड़ा सा शंकर भगवान का, और ये देखो गणेश भगवान बहुत सुंदर। बट यहाँ पर ना ज़्यादा देर खड़े रहने नहीं दे रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ था, मंडे था, और ना मतलब हम लोग का तो सावन का लास्ट था, बट ना यहाँ पे जो बैंगलोर में है यहाँ के लिए ना फर्स्ट मतलब सेकेंड मंडे था, तो इस कारण से ज़्यादा ही भीड़ था, और ऐसा है यहाँ पर तो भीड़ होना ही था। तो अब यहाँ पर हम लोग रुद्राक्ष ले लिए हैं, सो अब हम लोग ओम नमः शिवाय स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं नारियल फोड़ी और नारियल का ही जल मैं शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर आकर, इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत दिल का सुकून मिलता है मंदिर में आकर। तो मुझे लगता है हर वीक में या जब भी आपको टाइम मिले तो जाना चाहिए। एंड देन उसके बाद रुद्राक्ष के साथ हम लोगों को एक धागा भी मिला था जो यहाँ पर बांधना होता है, तो आप यहाँ पर कोई भी विश मांग कर या जो भी आपका मन का बात है बोल कर यहाँ पर आप बांध सकते, तो वो मैं कर दी। देन उसके बाद अब हम लोग अंदर जाएंगे। तो चलिए अब फिर से आपको गुफा के अंदर ले चलते हैं और सारा भगवान जी का दर्शन करवाते हैं। सो अब हम लोग लक्ष्मण झूला पे जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग को सबसे पहले जो दर्शन होता है वो बद्रीनाथ भगवान जी का होता है, और फिर उसके आगे दिखाऊंगी, तो पहले बद्रीनाथ भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं। अब बद्रीनाथ भगवान जी का दर्शन हो गया, अब केदारनाथ जी का दर्शन करते हैं। अब केदारनाथ से अमरनाथ जी का दर्शन कर लेते हैं। तो जैसे अमरनाथ में रियल बर्फ का पूरा एक साल में सिबलिंग बनते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी पूरा रियल बर्फ का सिबलिंग बने हैं। एंड साइड से आप ऊपर से देख सकते हो पानी टपक रहा है, पूरा रियल बर्फ का। एंड सब लोग ने क्वाइन चिपकाया था, तो मैं भी क्वाइन लगा दी विश मांगकर। एंड आप देख सकते हैं बहुत सुंदर, मतलब मैं पूरा टच करके देखी। और उसके बाद अब आगे चलते हैं और देखते हैं कौन से धाम का दर्शन होता है। चलिए हम लोग बाहर निकल गए, और ये क्या, जैसे ही बाहर निकले एकदम साक्षात शंकर भगवान जी का दर्शन हो गया, वाओ। एंड पता है ये शंकर भगवान जी के सर पर से जो गंगा जी है ना वो निकल भी रही थी, मैं आपको बाद में जूम करके दिखाऊंगी। देन ये सेकेंड गुफा है, और स्टार्टिंग में आपको गणेश जी का दर्शन होता है, फिर अब ये अंदर हम लोग जा रहे हैं, और अंदर अब सारा जितना भी धाम का होगा अब फिर से दर्शन होगा।
तो ऊपर सबका नाम लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेना, पढ़ लेना। अब हम लोग दिया जला रहे हैं एंड जब आप टिकट कटाते हो ना, तो मतलब उसी में ना सब कुछ रहता है, मतलब दिया सब कुछ, मतलब आपको अंदर यही लोग देते हैं, बस आप टिकट दिखा दो तो दे देंगे। तो अब हम लोग दिया जला रहे हैं एंड बगल में आप देख सकते हो बहुत सारा क्वाइन गिरा हुआ है पानी में, तो यहाँ पर इन लोग ही क्वाइन देते हैं और बोलते हैं कि कुछ भी विश मांग कर क्वाइन को पानी में छोड़ दो। तो हम लोग भी वैसा ही करते हैं, क्वाइन से विश मांग कर पानी में रख देते हैं। मतलब यहाँ का ये सब कुछ बहुत अलग था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। सो मेरा विश मांगना हो गया। बहुत सुंदर टेंपल, इतने बड़े शिव जी है, इतने बड़े कि मैं आपको क्या ही बोल, इतना सुंदर है। मतलब वो केदारनाथ, अमरनाथ, सब भगवान का दर्शन एक जगह हो गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर वैसा करके बनाया भी गया है। एंड जो
अमरनाथ में है शिवलिंग जो रहते हैं वो बर्फ का रहता है, यहाँ पे भी बर्फ का है, मतलब बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा है ना। अभी और भी आगे बाकी है, मैं आपको दिखाऊंगी, उससे पहले मैं आपको सभी फ्रेंड्स से मिलाती हूँ। हेलो, यही लेकर आई है हम लोग को यहाँ पर। ओम गजाननम भादगणादिसे पदम कवे जंबा बलजार भक्षणम नासम जनजनाधकार कुलमाम विग्रेसर बादपंकजम एवं ग्राहगणगण विदन विष्टायं बेलार माधव नतम आत्मानवण पर्वकम देव सज्जान द्वार यजमानस्य यजमान्यहा नाम गोत्रत्पन्नस्य ओमख्यं भवता प्रतिच्छायमसे कंदवान मयि कसेते भावनामयि कृतस्वाहा ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु स्वाहा अमृत साय देवाय शिवाय मंगलम स्वाहा ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम जगेन्द्र हारम तापसंत हृदय अरविंद हवम भवानी सहितम नमामि। ओ मेरा भोला देर हो गया, दो बज गया है और अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ, सो अब जा रही हूँ। हो गया बहुत सारा ब्लेसिंग ले ली एंड आप लोग के लिए भी ब्लेसिंग मांग ली हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहो। तो चलो चलते हैं। सो अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। सो ये रहा प्रसादी, यहाँ पे शूज रखा गया था तो वो शूज ले रहे हैं हम लोग। सो अब जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो बहुत सारा शॉप रहता है, वो भगवान जी का फोटो वगैरह, मूर्ति वगैरह और भी बहुत सारा कुछ सजाने का सामान, मंदिर डेकोरेशन करने का सामान, मतलब हर तरह का चीज़ यहाँ पे मिलता है जिसको जो लेना है। तो वैसे मैं वैसा कुछ ली नहीं क्योंकि कुछ समझ में आ नहीं रहा था, ऑलमोस्ट बहुत कुछ है ऑलरेडी मेरे पास तो इसलिए नहीं ली, क्योंकि हर मंदिर के बाहर बस सेम ही मिलता है, कुछ वैसा अलग नहीं था। लेकिन कुछ कुछ जो समझ में आया वो ली भी मैं, तो वही सब देख रही थी, घूम रही थी और मतलब ध्यान दे रही थी कि कुछ अलग टाइप का मिल रहा है कि क्या। तो वैसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं, सब जगह का दम सेम ही था। तो अब हम लोग बस घूमना फिरना हो गया तो बस बाहर निकल रहे हैं। सो ये देखो चॉकलेट्स का वैरायटीज, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चॉकलेट ले सकते हो, हर टाइप का चॉकलेट मिल रहा था यहाँ पर और चारों तरफ बस वही सब मिल रहा था, सजाने का सामान, भगवान जी का फ़ोटोज़ वगैरह पूजा करने के लिए, माला वगैरह और थोड़ा आगे कुछ खाने का भी मिल रहा था, बट हम लोग यहाँ खाते नहीं हैं। जस्ट मंदिर के बगल में ये मॉल था कैम्पोर्ट और इसी में हम लोग जाते हैं, कुछ खाते हैं, देन उसके बाद पूरा मॉल घूमते हैं।
मंदिर आई थी उसके जस्ट बगल में ये एक छोटू सा मॉल है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए और बहुत कुछ खाया, अब जाकर शांति मिला है। एंड उसके बाद हम लोग मॉल घूम रहे हैं, मैडम रिलायंस ट्रेंथ में गई है, उनको कुछ डेली वेयर का सामान लेना था तो वो कुछ ले लें। एंड मैं भी यहाँ से वो जो गणेश जी का मैं दिखाई ना छोटू गन्नू वो ली हूँ मैं गाड़ी में लगाने के लिए, बहुत क्यूट लग रहा था। एंड वो सिल्वर का है, तो ये सब कुछ कुछ देखना हो रहा है, लेना हो रहा है। एंड मेरा जो बैटरी है मोबाइल का वो ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। एंड आई होप कि मेरा ये ब्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको टेंपल कैसा लगा, कितना सुन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि मैं अब जल्दी से फटाफट एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।